प्रणाम, हम है आपको मैं नित्यानंद बिंद, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मुंगेर जिला के ग्रामीण इलाके में बुद्धमठ टोला वार्ड नंबर 3 में एक बार फिर से निकल गए हैं एक नया मुद्दा। कैंसर का पीड़ित जिनका नाम बताया जाता है फागु बिंद। फागु बिंद ने एक मजदूर आदमी है, आज से पूर्व 6 महीने से जिंदगी मौत से झेल रहे हैं। जिसने पीड़ित कैंसर पीड़ित के कारण से जिन भाइयों को बहनों को मदद करना हो, फागु बिंद के पत्नी के खाते पर रुपया देकर मदद कर सकते हैं। खाता नंबर 7408022500071600। फिर दोबारा खाता नंबर हम बोल रहे हैं 7408022500071600 पर मदद कर सकते हैं, अपना पुण्य का भागी ले सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं कैंसर पीड़ित फागु बिंद के पत्नी कारी देवी से, क्या कुछ कहना चाहती है अपने पति के बारे में। दरअसल कैंसर पीड़ित को पत्नी से बातें कर लेते हैं, फागु बिंद के बारे में क्या स्टेटमेंट देती है, जरा सा बोलिए अपना पत्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। 50-60 हज़ार रुपया लगा दिए हैं बीमारी चलते, बीमारी नहीं हट रहा है, इतना दिन हो गया 6 महीना से। तो पैसा जो लिए हैं कर्ज पर लिए हैं? कर्जो लिया है, उसे लोन भी लिया है। तो अभी तक कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है बीमारी का? कोई ऑप्शन नहीं हुआ। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं प्रीत से, थोड़ा सा हाँ, आप जरा सा बात अपना बताइए, क्या मैटर है आपका? हमारे जो है ना, ये 6 महीना से पहले से ही चल रहा है बीमारी में। हम सोचे कि जैसे पूरा हुआ है काल में, ऐसे दवाई करते परेशान हो गए, जिसमें सदर हॉस्पिटल गए, उसमें ने हमारे डॉक्टर साहब रेफर किया जो चले जाओ मुजफ्फरपुर। वहाँ गया, जाँच वहाँ सारा चीज करवाता, उसमें हमको 50-60 हज़ार रुपया खर्च हो गया सफर आते जाते में। अब हम लोग का कोई सहारा नहीं, न पैसा है, न कोई है, महाजन कोई नहीं हमको अब देता है, कहता मर गया कहाँ। डॉक्टर आपको क्या बताया जांच में, क्या जांच में निकला है? कैंसर बताया जांच में, ऑपरेशन करने के लिए बोला कि ऑपरेशन आपको होगा, अब कैंसर निकल गया है, इसलिए हम जरा सा आप आइए तो थोड़ा सा फोकस करिए बगल में जाकर, आ करिए तो देखिए, ये फागु बिंद का जो है गाल के अंदर जो है पूरा एकदम जो कट गया है, उंगली भर धंसा हुआ है, खद्दा हो गया, यानी एकदम पूरा कैंसर का एकदम जो शिकायत है, ये कैंसर का पीड़ित हो गया है। इसको जो है बहुत सारा पैसा लगने का बात आ गया है। अब थोड़ा सा हम ग्रामीण इलाके से हमारे बुद्धमठ टोला जो है मोहली पंचायत वार्ड नंबर 3 को जो है अपना मरड़ चुने हैं, मरड़ से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कैंसर पीड़ित का जो है इसे बारे में क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं। थोड़ा सा आइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जुल्मी बिंद है, ग्राम बुद्धनमठ टोला पौष्टिक आरामपुर थाना मुफस्सिल जिला मुंगेर के रहने वाले हैं। और ये फागु बिंद है, ये मेरा पड़ोसी है। इनको जब थोड़ा सा गाल में दाग आया था, उसी टाइम इनको हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल में सारा जांच कराया, इसको डॉक्टर कैंसर साबित करके मुजफ्फरपुर भेज दिया था। 6-7 महीना से इलाज कर रहा है, इलाज करते करते परेशान है, इनको अब कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिंद समाज संस्थान के तरफ से भी सहयोग हो, और जो भी सहयोग देना चाहते हैं दे सकते हैं, और हम लोग ग्रामीण भी इनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अभी भारत सरकार जो आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया है, सबका 5 लाख वाला कार्ड, उसके बारे में आप क्या सोचें? कार्ड बना हुआ है, इस पर अभी तो इलाज नहीं किया है, अब डॉक्टर क्या बोला है तो फागु सिंह ही बोल सकता है। बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान से हम जो है मुंगेर जिला के बिंदो समाज के हम जिला अध्यक्ष हैं। हम जो है थोड़ा सा पीड़ित के पूरा फैमिली के सामने हम हैं। ये देखिए, ये फागु बिंद के लड़की हुई है, और ये है फागु बिंद के पत्नी है, ये सब जो है बच्चा बुतरु के पूरा फागु के फैमिली है, और सबका पोषण पालन जो है फागु सिंह ही कर रहा है। अब थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं हम अपना बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के कमेटी के आदमी से,
जरा संसरसा स्टेटमेंट लेते बातें कर लेते हैं। क्या आप जो है, आपका क्या नाम है? सालदेव बिंद। अच्छा, इसको मैटर से क्या बोलना चाहते हैं आप? इसको मैटर से तो हम यही बोलने के लिए चाहते हैं कि ग्रामीण लोग सारे आदमी मिल के मदद करेंगे, इसको इलाज कर सकते हैं और चंदा उंदा करके कुछ पैसा जोड़ करके इनको दवाई। अच्छा, अब चंदा करना है ना? जी हाँ, चंदा नहीं करेंगे तो एक आदमी किससे मांगेंगे? गरीब आदमी है, किसको ही आ जाएगा? कर्जा ऋण बेचारा बहुत जगह गया पर कोई आदमी नहीं दे रहा है, बहुत पैसा खर्चा कर चुका, तो हम लोग सोचे समाज में कुछ चंदा करके लोग को जान बचाना है। अखनी बच्चा इनको छोटे छोटे है। और ठीक है, अब जो है अब चंदा पे आ गया है। जब हम बिंद समाज के जिला अध्यक्ष हैं तो पहला चंदा जो हम स्टार्ट कर देते हैं फागु बिंद के, जो हम 500 से जो है हम चंदा दे रहे हैं फागु बिंद के पत्नी के हाथ में। जरा सा लीजिए, अब थोड़ा सा चंदा पे आ गए हैं। अब जो है ग्रामीण महिला थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या चंदा के बारे में बोले हैं? हम चंदा के बारे में यही बोले हैं, बीमारी लोग के हम चंदा दे सकते। ठीक है, आप दीजिए। ये देखिए फागु बिंद के जो है पत्नी के हाथ में चंदा दिया जा रहा है। अब हमारे कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी भी सुन रहे हैं, चंदा देने वाला है। अब जो है पूरा ग्रामीण महिला के भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, क्या कहना चाहते हैं? चंदा दे रहे हैं आप? ठीक है, चंदा दीजिए दीजिए। ये जो है अपना चंदा दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बातें मरड़ भी सुन रहे हैं, कुछ चंदा दे रहे हैं, क्या आप चंदा रहे हैं? हाँ हाँ, गांव में घूम के हम लोग चंदा करेंगे इनके लिए और हम भी चंदा देंगे 500 रुपया। ठीक है, ठीक है, दीजिए। अच्छा ठीक है, ये जो है मरड़ भी जो है अपना चंदा दे रहे हैं, अभी मरड़ दे रहे हैं। ठीक है दीजिए, देखिए उसको थोड़ा सा दीजिए, गिनती करके दीजिए क्या है नहीं है उसमें। देखिए मरड़ भी चंदा दे रहे हैं 500 रुपया सहयोग राशि दे रहे हैं। ठीक है, गरीब आदमी के इलाज के लिए। ठीक है, अब हमारे बिंद विकास समाज संगठन के जो है ये भी दे रहे हैं चंदा। ठीक है, जो आदमी आए हुए हैं पीड़ित कैंसर पीड़ित का जो है इलाज के लिए जो मदद करेंगे इस संस्था का आदमी, कुछ से बातें कर लेते हैं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के ओर से मेरा नाम जय जय राम सिंह है और इसको कैंसर की बीमारी हो गया है, इसको चंदा दिलाने के काम कर रहे हैं। आप लोग चंदा दे रहे हैं? हाँ, चंदा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अपना बुद्धमठ टोला मौली पंचायत को जो है पंच से जरा सा बातें कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बुद्धमठ टोला के 3 नंबर वार्ड के हीरा देवी पंच हैं, कैंसर के बीमारी है, इसको चंदा कर करके ये बीमारी की इलाज करने के लिए जा रहे हैं अपना समाज। ठीक है, ये जो मौली पंचायत के वार्ड नंबर 3, देखिए ये कैंसर का जो पीड़ित है फागु बिंद, ये फागु बिंद के लिए अभी जैसे रात हो गया, 9 बजे रात में देखिए बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्थान के जितना आदमी आए हुए हैं रात में भी आके फागु बिंद के जो है आके देखने के लिए आए हैं, और जो चंदा की जो बात हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में चंदा के वातावरण कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपना संस्था का आदमी से बातें कर लेते हैं। राम सकल बिंद से क्या कुछ कहना चाहता है फागु अपना प्रीत के बारे में? बिंद विकास सेवा स्थान से बोल रहे हैं, बुद्धनमा टोला से राम सकल सिंह बोल रहे हैं कि कैंसर का बीमारी हो गया है, उसको हम चंदा से चुका कर करके उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो आए हुए हैं रात में, अभी फिलहाल कुछ चंदा कोई आदमी बोनी कर रहे हैं, कोई चंदा दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। ठीक है दीजिए, अभी जो है फागु बिंद के पत्नी को जय जय राम जो है दिया है चंदा। कुछ आदमी और है संस्था का, वो भी जो आए हुए हैं और कुछ बोलने के लिए चाह रहे हैं अपना प्रीत के बारे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं जरा सा बोलिए। बिंद विकास संस्था का मेरा नाम फागु सिंह का कैंसर का बीमारी, चंदा देकर बचाने का हम कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल कुछ दे रहे हैं चंदा में से? अभी कुछ चंदा दे रहा है अपना जो है प्रीत के, प्रीत के बारे में जो है दीजिए। ये फागु बिंद को जो है पत्नी के अभी चंदा दिए हैं मौली पंचायत।
पंचायत का जो वार्ड नंबर 3 का एक वार्ड सदस्य है, जरा सा वार्ड सदस्य से बातें कर लेते हैं। प्रीत के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरा सा स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पंचायत का वार्ड सदस्य 3 नंबर से कैंसर का शिकार आ गया है, जिसमें कि हमें बहुत अफसोस है कि इनका इलाज के लिए, गरीब आदमी है, इनका इलाज के लिए सभी आदमी मिल करके चंदा देना है और चंदा दे करके इनका इलाज करवाना है। और ये चंदा जो दीजिएगा, चंदा के कार्ड के बारे में भी कुछ सोचे हैं? आयुष्मान, हाँ आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड है। अभी जो है थोड़ा सा चंदा दे रहे हैं वार्ड साहब, अभी एकाएक का बात हुआ था, अभी दे दिए हैं चंदा।